अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी कपकेक की है। जब आपको अचानक से कपकेक बनाने पड़े और आपके पास एग्स भी ना हो, घर की चीज़ों से कैसे हम कुछ ना कुछ अच्छा बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 200 ग्राम बटर लिया है, इसमें मैं शुगर डालूंगी, वो भी 200 ग्राम। इसको पहले आपस में कंबाइन कर देंगे, चाहे हाथ से कर लें, क्योंकि विंटर है, विंटर में जो बटर है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप के करीब मिल्क। इसको आप 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। अब मैं इसे बीट करूंगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी दही 4 से 5 टेबलस्पून। अब इसमें मैं डालूंगी नमक चुटकी भर। इसी तरह इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब। इसमें आटा डालूंगी मैं 2 कप। अब मैं अच्छे से इन सब चीज़ों को कंबाइन कर दूंगी। वनीला एसेंस डालूंगी कुछ ड्रॉप्स। आप बीटर से बीट कर लें, हैंड बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ अवेलेबल हो आपके पास। अब मैंने कोको पाउडर डाला है 2 टेबलस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर थिक आपको ये लगे आपका जो मिक्सचर बन रहा है केक का या कप केक का, तो आप इसमें 2 टेबलस्पून के करीब दूध भी डाल सकते हैं। अब मेरे पास कुछ स्प्रिंकल पड़े हुए थे जो हम मोस्टली लगाते हैं डोनट के ऊपर, मैंने वही अंदर डाल दिए। अगर आपके पास चॉको चिप हो वो डाल सकते हैं, जो चीज़ अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास ब्राउन कलर की टॉपिंग भी थी, स्प्रिंकल जो ऊपर करते हैं, मैंने वो भी थोड़ी सी डाल दी हैं। अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैंने पैन लिया है जो कपकेक के लिए होता है, इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और लेवल करके अंदर डाल देंगे। वन बाय वन में सब में डालती जाऊंगी, सब में मैं इक्वल करके डाल दूंगी। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी टॉपिंग। कुछ पे मैंने ब्राउन वाली कर दी है और कुछ पे मैं मल्टी शेड वाली कर दूंगी। आप चॉको चिप भी डाल सकते हैं, जो चीज़ अवेलेबल है घर में। अगर नहीं है तो बेशक स्किप कर दें। अब जो मिक्सचर बच गया है, मैं बाकी का एक और लूंगी कपकेक का पैन, उसके अंदर डालूंगी। मैंने इनको जो प्री हीट किया है 160 डिग्री पर, कम से कम मैंने 20 से 25 मिनट किया है। ये देखें, ना सिर्फ देखने में मज़े के हैं, ये बने भी बहुत मज़े के, बहुत स्पंजी और बहुत सॉफ्ट बने। ये देखें कितने मज़े का, कितना सॉफ्ट है। आई होप कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे, स्पेशली वो लोग जो बेकिंग से डरते हैं, यकीन जाने मत करें ऐसे। मैंने ऐसे ही सीखी है और मेरी अब हर चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत परफेक्ट बनती है। मोस्टली अक्सर बेशतर तो ऐसे होता है कि मैं मेयर भी नहीं करती चीज़ों को, जस्ट उठाती हूँ डाल देती हूँ और वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। ये बहुत हेल्दी हैं। आपको कभी झटपट बनाने हो अपने बच्चों के लंच के लिए या उनकी फरमाइश के लिए, आप बनाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट रेसिपी, हेल्दी रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कोशिश करें ख़ुद भी अपनी फैमिली को हेल्दी खिलाएं और हेल्दी रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।